पावागढ़ मंदिर पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। बने रहे दोस्तों, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। पावागढ़ महाकाली माँ का मंदिर। पावागढ़ मंदिर पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। जो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, सब कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो पे अंत सुधी बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी दोस्तों। दोस्तों, मैं पूरी तरह से जो सब कुछ व्यू है पावागढ़ का, वो व्यू में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, सब कुछ दोस्तों दिखाने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। दोस्तों, आज का व्लॉग होने वाला है पावागढ़ महाकाली माँ का मंदिर है, उस मंदिर पे दर्शन करने जाएंगे दोस्तों। उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। दोस्तों, हम चार जने हैं, गोविंद भाई, विजय वगड़िया संकलन, और ये हम ऊपर तक पहुंच चुके हैं। आधा रास्ता हमने काट लिया है और बाद में आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सब कुछ, खाने की व्यवस्था भी की है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारी दुकानें हैं। अब मिलते हैं, लॉकडाउन की वजह से दोस्तों थोड़े कम लोग देखने को मिलते हैं। हमने महाकाली माँ का यानी के मंदिर का जो दर्शन है वो कर लिया है दोस्तों। हम रिटर्न हो चुके हैं, लॉकडाउन की वजह से अंदर नहीं पहुंच पाए दोस्तों, इसलिए माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा जो मंदिर है उसका व्यू बताने का, पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। यहाँ देख लीजिए, पीछे मंदिर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। पीछे देख लीजिए, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये मंदिर है, आपको देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर एक तालाब है, तालाब आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर आपको तालाब देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, ये तालाब है और यहाँ पर ये मंदिर है दोस्तों, महाकाली माँ का मंदिर है यहाँ पर। तो दोस्तों, हम चलते चलते ऐसे ऊपर आए हैं दोस्तों, हम लिफ्ट में नहीं बैठे दोस्तों। मैं आपको नीचे का व्यू दिखाऊंगा, नीचे का व्यू दिखाऊंगा आपको, देख लीजिए।
यहाँ पर आपको नीचे का व्यू बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा दोस्तों। मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ दोस्तों, कैमरा मैं घर पे भूल गया हूँ, कैमरा मैंने नहीं लिया दोस्तों। यहाँ पर नीचे का व्यू है, एकदम शानदार व्यू देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको मंदिर का व्यू मैं दिखाऊंगा, पीछे से देख लीजिए। आपको ये मंदिर का व्यू है, और फोटो शूट कर रहे हैं विजय वागड़िया अंकलर। नीचे से छोटा छोटा घर दिख रहा है दोस्तों, गाड़ियाँ भी छोटी छोटी दिख रही है नीचे। यहाँ से मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ऊपर काम चल रहा है इसलिए जा नहीं पाया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऊपर जाके सब कुछ दिखाऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं कैमरा से शूट करूंगा, और क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलेगी दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, दुकानें लगी हुई है, देख लीजिए यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा दोस्तों। छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पर, और स्नान घाट मंदिर तरफ जाने का रास्ता है, यहाँ गुजराती में लिखा है दोस्तों। मैं भी गुजराती हूँ लेकिन हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर बोर्ड देख लीजिए, कालिका माता का मंदिर है, दूरभाष केंद्र का, जो सब कुछ यहाँ पर नीचे जा सकेंगे दोस्तों। यहाँ पर नीचे आप जा सकते हैं, यहाँ से ऊपर रास्ता मंदिर की तरफ रास्ता है ये दोस्तों। सब कुछ मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा दोस्तों, दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, जो भी मिस हो जाएगा तो दोस्तों सॉरी। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर है ये छासिया तालाब, मैं आपको दिखाऊंगा, ये छासिया तालाब है, ये देख लीजिए छासिया तालाब है नीचे। मैं आपको अंदर वीडियो करने की मना है इसलिए वीडियो नहीं बना पाया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर हम ऊपर पहुँच चुके हैं दोस्तों, दर्शन कर लिया है हमने। देख लीजिए यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा दोस्तों। देख लीजिए चल रही है, ऐसा नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये तार है, वो तार चल रहा है दोस्तों, ये लीप नहीं, ये तार चल रहा है। आप गौर से देखेंगे, देख आप पावागढ़ आओगे तो देखोगे, गौर से देखना, ये तार चल रहा है दोस्तों, ये लीप नहीं, तार चल रहा है। और उड़न खटोला है नीचे, देख लीजिए यहाँ से आपको उड़न खटोला से लेकर यहाँ कर देख लीजिए, यहाँ पर जाएगा आपको सीधा। आपको चल नहीं पाए तो यहाँ पर उड़न खटोला में आप बैठ जाइए, यहाँ से आप काली कामा के मंदिर पे जा सकते हैं दोस्तों। देख लीजिए ये उड़न खटोला आ रहा है, देख लीजिए रॉक पे। तो दोस्तों इस तरह का व्यू है, आप देख लीजिए यहाँ से, देख लीजिए आप ये बने रहे दोस्तों। मैं सब कुछ दिखाऊंगा पावागढ़ महाकाली माँ का मंदिर पे, जो भी सब कुछ देखने को मिलेगा वो सब कुछ मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों रॉप वे से नहीं, हम चलते चलते यहाँ पैर से जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर नज़ारा पीछे से देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख लीजिए दरवाज़ा 6 बुलंद दरवाज़ा, चापानेर पावागढ़ पुरातन पार्क, मकई कोठार के निकट स्थित इस दरवाजे के दोनों तरफ से मजबूत सुरक्षा की दोस्तों। इसका निर्माण है दोस्तों 19वीं शताब्दी में किया हुआ है, आप देख लीजिए दोस्तों। आगे देखिए, मैं आगे आपको दिखाता रहूँगा, जो जो आएगा वो मैं आपको दिखाता रहूँगा दोस्तों। मेरे साथ गोविंद भाई है, और आपका नाम? कालू भाई। कालू भाई है ड्राइवर डीजे, हम साथ में पावागढ़ आए हैं दोस्तों। संकलन विजय वागड़े भी आगे चले गए हैं, जो भी मैं आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को मैं बने रहिए। मैं सब कुछ माल सामान भरा हुआ है, वो नीचे जाएगा सब कुछ दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, सभी गद्दे हैं उसमें माल भरा हुआ है दोस्तों, दुकान का सामान भरा हुआ, आप देख लीजिए। और यहाँ से आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों नीचे का व्यू, यहाँ से मैं आपको नीचे का व्यू दिखाऊंगा। छोटे छोटे बंदर हैं, बहुत सारे खड़े हैं यहाँ पर, देख लीजिए।